नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट किए जाने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। विगत कुछ दिनों में ही कई जनप्रतिनिधियों की पिटाई का मामला सामने आ चुका है, जिससे संबंधित कुछ मामले अनगाड़घाट पुलिस के संज्ञान में भी है और वे इस मामले को देख भी रही है। इस तरह की बढ़ती घटनाओं को लेकर पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, साथ ही स्थानीय थाना के पुलिस की भी प्रतिष्ठा इस तरह की घटनाओं के कारण जुड़ जाती है। ताजा मामला उजियारपुर प्रखंड के बिरनामातुला पंचायत की है, जहां शुक्रवार को उप सरपंच चरानी देवी व उनके पति के साथ गाँव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया, जिससे संबंधित आवेदन उप सरपंच दंपति ने स्थानीय अनगाड़घाट थाना को भी दिया है। इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रेम प्रकाश आर्य का बताना है कि घटना से संबंधित आवेदन मिला है, जांच की जा रही है, विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह पूर्व ही बिरना मातुल्ला के उप मुखिया सह सरपंच पति नथुन्नी राय को भी स्थानीय लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया था, जिनका इलाज सदर अस्पताल समस्तीपुर में कराया गया था, जिसके बाद इन दोनों मामलों की चर्चा क्षेत्र में बनी हुई है। लोक कानून की विधि व्यवस्था से लेकर पंचायती राज से जुड़े लोगों की व्यवहारिक स्थिति पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह के मारपीट का मामला विगत कुछ माह पूर्व प्रखंड मुख्यालय से सटे एक गांव से ही शुरू हो गया था, जहां भोज खाने के दौरान ही एक जनप्रतिनिधि के संबंधी ने एक दूसरे जनप्रतिनिधि को मारपीट कर जख्मी कर दिया था, जिससे संबंधित खबरें भी उस समय अखबार में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की जाती थी। वहीं विगत कुछ दिनों पूर्व ही उजियारपुर प्रखंड के बिरनामातुल्ला गांव के मुखिया पति को भी भगवानपुर देसुआ हॉल्ट के पास स्थानीय लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था, जिसे उजियारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर एक अन्य मामले में जेल भेज दिया था। हालांकि इन मामलों से अभी तक एक बात समझ में नहीं आई है कि आखिर जनप्रतिनिधियों के साथ ही इस तरह की घटना क्यों हो रही है। इस तरह के मामलों में आखिर गलती किसकी रहती होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनप्रतिनिधि अपनी दबंगई दिखाने के चक्कर में पिटाई खा रहे हैं, या किसी अन्य मामलों से नाराज ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की पिटाई कर रहे हैं? जहां तक जनप्रतिनिधियों के दबंगई मामले की बात है, तो ऐसा संभव हो भी सकता है, क्योंकि कुछ माह पहले ही उजियारपुर थाना क्षेत्र के एक मुखिया ने अपने लठैतों के साथ मिलकर एक महिला सहित तीन लोगों की जमकर पिटाई कर दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वहीं एक दूसरा वीडियो भी कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें पतेली पूर्वी के मुखिया प्रखंड प्रमुख उजियारपुर के कक्ष में बीपीआरओ उजियारपुर के सामने ही चंदौली के एक युवक को मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, जबकि पीड़ित युवक बीपीआरओ उजियारपुर को दिए शिकायती पत्र के बारे में जानकारी लेने गया था। हालांकि इस तरह के मामलों को देखकर इतना तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं में किसकी गलती दिख रही है। अब चाहे मामला जो भी हो, लेकिन इस तरह की सभी घटनाओं पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि आम लोगों का विश्वास प्रशासन पर बनी रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वो सुपौल पंचायत के वार्ड नंबर जो है सो पड़ता है, काहे हुआ? इसलिए वो उनका पत्नी सीएम है गुड्डी देवी, वो जो है कौन चीज का सीएम, ये जीविका का। अच्छा। और पंचायत का जितना भी सब आदमी को जो है पैसा रखे हुए हैं, 50 ग्राहक मांगता है पैसा तो मारने लगते हैं। हमको भी मारे, बगल में राम सज्जन जी थे, इनको भी पटियाए, इनके भी भागे रोड पर, तो फिर पकड़े तो हम पत्नी को फोन किए रानी देवी उप सरपंच बिरनामा तुला के, ये भी आए थे, इनको भी साथ जो है बस में गाड़ी बात मारने के क्या पीने के लिए उधर से आए पशुत्तम पूरा इसने पकड़ के दोनों हाथ से चमेटा से मारने लगे, नाक से उसको ब्लड चढ़ने लगी, तो हमको फोन किए से यहाँ पर आई, हमको साथ मारपीट कर रहे हैं, हम आए हैं पूछने के लिए से क्या बात है, काहे मारपीट हो रहा है। उसी के लाए हमको चप्पल लेके गाली बकले रहे, अंडी भुसरी आप काहे यहाँ आए हैं, चप्पल लेके हमको मारने उठे, दौड़ भी मारे चप्पल फेंके, हम चप्पल उठा रहे, रुकी हम जाते हैं आपको हम खबर हम पूछ लेते हैं थाना कल के जाओ जहाँ करना, हम मर्डर किए हुए हैं, एगो मर्डर कर दिए हैं माल गोदाम चौक पर, वो ट्रक से चाप दिए, फिर मर्डर करके हम जेल जाने के लिए तैयार है, हमको जहाँ जाना है जाओ।